नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। भगवान महावीर बहुत कम सोए, कहा जाता है 12 वर्षों में 50 मिनट या अंतर्मुहूर्त सोए। तो अगर कोई अपरिचित हो तो टिप्पणी कर सकता है कि शायद भगवान को अनिद्रा की बीमारी हो गई हो, और क्या कारण हो सकता। और उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनी थी जो नींद की गोलियां बेचती हो। आज अरबों खरबों रुपयों की गोलियां केवल नींद की गोलियां बिकती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपया कमाती है नींद की गोलियां बेचकर। ये शायद नहीं बनी होगी, महावीर को नींद नहीं आई होगी, कोई भी कल्पना कर सकता है। पर हम नींद के स्वरूप पर विचार करें, तीन भागों में बंट जाती है नींद। एक तो निद्रा, एक अति निद्रा और एक अनिद्रा। नींद लेना स्वाभाविक बात है, अति निद्रा एक बीमारी है और अनिद्रा भी एक बीमारी है। अब ये महावीर की इन तीनों में नहीं आ रही है, कोई चौथी बात है। शायद लिखने वालों ने, आयुर्वेद के आचार्यों ने तीन विभाग किए, अनिद्रा का एक और विभाग कर देना चाहिए था। कि अनिद्रा दो प्रकार की, एक तो नींद न आए और एक नींद को उड़ाया जाए। महावीर की जो नींद थी, यह नहीं कि महावीर बीमार थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, नींद आती थी। सूत्र साफ बोल रहा है कि जगावती अपान, अगर नींद नहीं आती तो जगाते क्यों। जगावती अपान, और जगाने के लिए फिर प्रयत्न भी करते, संक्रमण करते, बाहर चले जाते, कहलते, जगाते बार बार। ये तो साफ है कि अनिद्रा की बीमारी नहीं थी, ये तो बहुत साफ सूत्र से हो रहा है। जगाते थे, अब क्यों जगाते और इतना कैसे जगाया, यह एक प्रश्न है। तो निद्रा के आयुर्वेद में कई विकल्प दिए, कारण समझ लें। एक नींद होती है मन शरीर श्रम संभवा, मन और शरीर की थकान होने से एक नींद आती है। एक नींद होती है श्लेष्म समुख भवा, श्लेष्म बढ़ जाता है तो नींद आती है। एक नींद होती है आगंतुकी, आगंतुकी नींद जो कोई विकृति होने से आने लग जाती है। एक होती है रोगानुवर्ती नींद, कोई रोग होने से नींद ज्यादा आती है, रोगानुवर्ती नींद होती है। और एक नींद होती है रात्रि स्वभावा, रात में नींद आने का स्वभाव है, यानी तमोगुण बढ़ता है, अंधेरा बढ़ता है, नींद आने लग जाती है। कई कारण है नींद आने के। भगवान महावीर ने इन कारणों को समाप्त किया था, और उस पर भी हम विचार कर लें कि नींद न आने के अनिद्रा के भी कई कारण है। अनिद्रा का कारण है बात का प्रकोप, पित्त प्रकोप, मानसिक संताप, मनस्ताप, मानसिक तनाव की भाषा में बेचैनी, और कोई अभिघात, कोई चोट लग गई दिल पर, ये कारण होते हैं तो अनिद्रा की बीमारी होती है। महावीर के न तो बात का प्रकोप था, न कोई पित्त का प्रकोप था, न कोई मानसिक तनाव था, न कोई दिल पर चोट थी, इन सब बातों से मुक्त थे। अनिद्रा की बीमारी नहीं थी, किंतु उन्होंने अनिद्रा का जीवन जिया, जागरूकता का जीवन जिया, जागरूक बने, नींद जब आई उड़ाने का प्रयत्न किया, अभ्यास किया, अभ्यास एक विकल्प खोज लिया। जो आदमी नींद का विकल्प नहीं खोजता तो शायद नींद बहुत सताती है, अगर विकल्प खोज लेता है तो नींद की स्थिति कमजोर बन जाती है। वह विकल्प था भीतर में जागना, एक बाहर में जागना,
एक भीतर में जागरूक बन गए, इतने महावीर जैसा आत्म जागरूक व्यक्ति साधना में दुर्लभ व्यक्तित्व, इतनी जागरूकता भीतर में, इतने जाग गए, निरंतर एक ही ध्यान, केवल आत्मा का ध्यान, आत्मा के साथ इतना तारतम्य जोड़ा, आत्मा के साथ इतनी लयबद्धता और एकात्मकता स्थापित कर ली कि शायद नींद को अवकाश ही कम रहा और जब जब अवकाश मिला तो फिर आत्मा के साथ जुड़ गए। ये आत्मा के साथ जुड़ जाना एक विकल्प है कि नींद को जीता जा सकता है। शरीर का श्रम भगवान करते थे, बराबर विहार करते थे, बिल्कुल एक उल्टी बात है। बहुत सारे साधक आश्रम बनाकर एकांत में बैठ जाते, बिल्कुल चेष्टा निवृत्त होकर बैठ जाते, बस बैठे रहो, आश्रम में रहो और वहीं साधना करो। महावीर की सारी साधना उल्टी है, तो बराबर विहार चर्या चलती रही, संक्रमण चलता रहा, घूमते रहे, एक स्थान पर भगवान नहीं टिके, बड़े बड़े बीहर स्थानों पर गए, घूमे साधना के काल में। तो शरीर का श्रम तो काफी था पर मन का श्रम नहीं था बिल्कुल, इस बात से बहुत बचे। नींद आने के दो मुख्य कारण है, शरीर का श्रम और मन का श्रम। शायद मन का श्रम बहुत ज्यादा कारण बनता है, मन का श्रम बिल्कुल नहीं। न तो पढ़ाई की, पढ़ते नहीं थे कोई भी पुस्तक, स्वाध्याय नहीं, आचार्य अगर कहते हैं पुस्तक थी नहीं, पर पुस्तक नहीं थी तो गुरु के पास पढ़ते, गुरु किसी को बनाया ही नहीं, न तो गुरु बनाया, न पुस्तक मिली, तो पढ़ते नहीं थे, न चितारना करते, चितारना विद्यार्थी जो सारा काम करता है, पढ़ने वाला, गोची पुली कुछ भी नहीं था, न किसी से प्रश्न पूछना, न कोई लिखना, न कापियां भरना और न कोई नोट लेना, कुछ भी नहीं था, मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं, न कुछ सोचना, सोचता है चिंतन करता है तो भी श्रम होता है, न कोई सोचने का श्रम था, मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोला तनाव क्या हो, तनाव का प्रश्न ही नहीं, तो मानसिक तनाव कम हो गया तो 50% नींद तो समाप्त वैसे हो। अगर हम बांट लें शरीर और मन को 50-50% अंक दें तो 50% अंक तो समाप्त, यानी मन का कोई श्रम नहीं, तो मन से जो नींद आती है वह तो पूरी हो गई। अब 50% जो शरीर का श्रम रहा, उसमें भी शरीर को भी इतना ढीला छोड़ना सीख गए, कायोत्सर करना, तो शरीर का श्रम भी अश्रम में बदल दिया, शिथिलीकरण कर दिया, तो समझ लो कि 30% नींद फिर चली गई। अब पीछे बची 20%, अब 20% नींद आती तो रात को आती, रात को, क्योंकि रात्रि प्रभवा, रात को नींद आती, तो रात में भी आने में यह बात और पित्त आदि का प्रकोप बनता है। तो आहार का ऐसा कोई कर लिया कि बोला खाए तो नींद आए, अब भूखे तो क्या, भूखा तो तारा गिनता है, नींद कैसे आए, न आहार और न पानी, 12 वर्षों में सुख से रोटी एक दिन भी नहीं खाई होगी। इसका मतलब लौकिक भाषा में कह रहा हूं, कभी जो आराम से रोज खूब मजे से खाए, कहां था, रोटी लाकर देने वाला नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं, महावीर आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई चिंता करे कि आज पारणा है कुछ मिला या नहीं मिला, मैं घरों में निगह कर लेता हूं, कोई साथी था ही नहीं, कौन चिंता करे, चिंता करने वाला नहीं, जहां गए, हाँ कोई दलाली करने वाला भी नहीं, कोई श्रावक भी नहीं मिला, कभी दलाली करे बता दे भी अमुक घर में उकाली बनी है, तो अमुक घर में ये बना है, तो आपको लाकर दे दे, नहीं कोई हाँ बता भी दे, सोचता है वहां मिलता है, जोग वही है वहां क्या,
न कोई साधु न कोई साध्वी लाने वाली और न कोई दलाली करने वाला श्रावक श्राविका कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। तो भला पूरा खाना ही नहीं तो नींद कैसे आए? तो 10% नींद ऐसे चली गई। अब पीछे 10% बेचारी बची। आप जानते हैं कि 90% जिसका चला जाता है 10 बचता है तो उसकी शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। शक्ति इतनी कमजोर बन गई, आए भी तो बेचारी कैसे आए? जिन घर जागे उन घर जागे हे नींदड़ में। हमारा पुराना गीत जो बहुत उपदेशों में गाया करते थे हम लोग भी, जिन घर जागे हे नींदड़ में। उन घर जागे हे नींदड़ली। तो जो धाप धाप कर खावे उन घर आ जाए। नींद ने भी शायद परामर्श लिया किसी से कि मैं कहाँ जाऊं, तो परामर्श किसी ने दे दिया तो उन घरों में जाना कि जो धाप धाप कर खाए। योगी उन घर जागे हे नींदड़ली। जागे नींदड़ली तो वह तो अलबेला जोगी था, पहले ही बेता दिया तो वहां मत चले जाना, जाओगी तो खाली हाथ लौटोगी, खराब बनोगी। आसी मुंह खुदा कोई क्योंकि आगे और इसका एक पद। तो ये बहुत गाते थे हम लोग उपदेश। आसी मुंह खुदा तो ने अलबेला जोगी और वहां मत चले जाना, किसी मोड़े के चक्कर में पड़ गई तो मुंह फुड़ा कर आएगी। तो भला नींद भी समझदार थी, देख लिया कि महावीर तो वह है कि जहां चली जाऊंगी मिलेगा कुछ नहीं और मुंह भंजन और हो जाएगा, फिर फूटेगा, फिर फूट जाएगा, फूटोबल और होगा, तो अच्छा है कि दूर ही रहूं। तो शायद ये 90% वाली बात कही बिल्कुल समर्थित बात हो गई। कोई बात का समर्थन होना चाहिए, आचार्य वर ने पूरा समर्थन कर दिया दो पद्यों के द्वारा, पूरा समर्थन। तो फिर भला 10% है, इतनी कमजोर थी, थोड़ा तो अपना पुरुषार्थ था ही सारा, इतना पुरुषार्थ भयंकर था थोड़ा क्या। तो जगावती अप्पाणम, बस अपने आप को जगाते तो वह नींद आई नहीं, नींद नहीं आई। आश्चर्य तो होता है तो भला एक बरस नींद न आए तो आदमी पगला जाता है, बरस क्या 6 महीना न आए तो आधा पागल बन जाता है। तो भला 12 बरस तक नींद न ले और इतना प्रबुद्ध बना रहे, यह एक प्रयोग है, प्रयोग।